बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम फाइव ग्रेड का मैथ कर रहे हैं। इससे पहले 1.1 और 1.8 एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। आज हम इसका चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 में एचसीएफ निकालने का तरीका बताया गया है। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के दो तरीके हैं। एक डिवाइड के तरीके से और दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से। तो आज जो 2.1 एक्सरसाइज है ये बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, इस तरीके से एचसीएफ निकालने का तरीका हमें बताती है। तो इसमें सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या मतलब है, इस पे हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में जब अपने फैक्टर निकालने हैं तो जो डिवाइड करना है उसको, वो तमाम जो फैक्टर हैं वो प्राइम नंबर होने चाहिए जिनके साथ हमने फैक्टर निकालने हैं। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ये दो तरह के नंबर होते हैं। प्राइम नंबर कौन से हैं, कंपोजिट नंबर कौन से हैं? प्राइम नंबर की पहचान और अलामत ये है कि वो सिर्फ खुद अपने आप पर या वन पर डिवाइड होता है। तो जो रकम, जो हिंसा हमारा खुद अपने आप पर या वन पर डिविजिबल है वो प्राइम नंबर है। उसके अलावा उसके कोई फैक्टर नहीं बनते। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं के 5 है, अगर इसको हम डिवाइड करें 5 1 5 और किसी हिस्से पर ये तकसीम नहीं होता तो इसके दो फैक्टर बन गए, एक 5 और एक 1। इसके अलावा इसका कोई और फैक्टर नहीं बनेगा, तो ये प्राइम नंबर है। इसी तरह से अगर हम 12 को डिवाइड करें तो ये 2 पे डिवाइड होता है और इसी तरह से ये 3 पे डिवाइड होता है, यानी इसके फैक्टर बनेंगे 12 के 12 मल्टीप्लाई 1, ये भी 12 है, और 2 मल्टीप्लाई 6 ये भी 12 बन गया, और इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाय 4 ये भी 12 हो गया। तो इसके 1 और 12 के अलावा भी फैक्टर बन रहे हैं, 6 भी फैक्टर है, 2 भी, 3 भी और 4 भी। तो जिस रकम के एक से ज्यादा ये फैक्टर बन जाए वो रकम कंपोजिट नंबर होती है, प्राइम नंबर नहीं होती। तो इसलिए हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते वक्त तमाम जो डिवीजन का अमल करना है वो प्राइम नंबर्स के साथ करना है, फिर ये बनेगा प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ। तो इसको हम इस तरह से निकालेंगे। तो चंद एक प्राइम नंबर मैं आपको अर्ज करता हूं कि प्राइम नंबर कौन से हैं, मसलन 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। और इसके अलावा जो है 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, ये सारे कंपोजिट नंबर हैं। तो जब आपने एचसीएफ निकालना है पूरे अमल में कहीं भी डिवाइड करते वक्त कंपोजिट नंबर्स को इस्तेमाल नहीं करना, प्राइम नंबर्स को इस्तेमाल करना है। तो उसके बाद फिर मसलन हम पहला सवाल है वहां से आगाज करते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जब स्टेटमेंट वाले सवाल आते हैं तो उसमें हाईएस्ट की जगह पे बिगेस्ट का लफ्ज भी हो सकता है, और बिगेस्ट हो या ग्रेटेस्ट हो, यानी जिसके मानी में बड़ा लफ्ज बड़ा पाया जाए वो सारे एचसीएफ ही होंगे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते वक्त अगर स्टेटमेंट वाले सवाल हैं तो इस चीज को भी मद्देनजर रखा जाए। तो पहली इसकी रकम है 10, 15,
और 20। ये हमारे पास तीन नंबर्स हैं, इनको हमने इस कॉमन, इन सब का कॉमन जो फैक्टर है वो हाईएस्ट वो निकालना है। तो सबसे पहले इनके फैक्टर बनाएंगे हम। तो 10 के कौन कौन से फैक्टर बनते हैं, तो 10 के फैक्टर्स हमने जब इसको डिवाइड करना है तो इस तरीके से करना है। और फिर जब हम डिवाइड करते हैं तो उसमें एक और पहचान बहुत जरूरी है कि कौन सी रकम, कौन से नंबर किस पर डिविजिबल है, काबिले तकसीम है। तो उसकी पहचान ये है कि हर वो रकम जिसके वंस में 0, 2, 4, 6 या 8 होगा, वो पूरी रकम चाहे जितनी भी बड़ी हो वो सारी रकम 2 पे डिविजिबल है और काबिले तकसीम है, तकसीम हो जाए। तो इसमें भी 10 में 0 इसके वंस में है तो ये 2 पे डिविजिबल है। 2 5 10 और फिर 5 को डिवाइड करना है तो 5 1 5। तो इसके दो फैक्टर हमारे पास निकल आए, 2 × 5, ये 10 के फैक्टर है। उसके बाद 15 है, 15 ज़ाहिर है 2 पे डिविजिबल नहीं है तो 3 पे है या नहीं इसको चेक करने के लिए इसका भी एक फार्मूला है कि हम जो भी रकम है उसका मजमूआ, उसके सारे नंबर्स जो हैं हिस्से हैं उनको आपस में ऐड करेंगे, प्लस करेंगे और उसके बाद अगर वो 3 पे डिविजिबल है तो फिर पूरी रकम चाहे जितनी भी बड़ी हो वो 3 पे डिविजिबल होगी, काबिले तकसीम होगी। तो 15, 5 और 1 को ऐड करें तो 6 आता है और 6 जो है वो 3 पे डिविजिबल है। तो जो 3 पे डिविजिबल है तो इसका मतलब पूरी रकम जो है हमारी वो 3 पे डिवाइड हो जाएगी। 3 5 15 एंड फिर वंस अगेन 5 1 5। तो इसके जो हमारे फैक्टर आए वो 3 और 5। इसी तरह 20 है तो 20 के भी पहले प्राइम फैक्टर निकालने हैं हमें। प्राइम फैक्टर निकलेंगे अगर सिर्फ प्राइम नंबर्स के साथ उसको हम डिवाइड करेंगे। वैसे 20 4 पे भी डिवाइड होता है लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है इसलिए हम 4 के साथ इसको डिवाइड नहीं करेंगे। तो सबसे पहले 0 है इसके वंस में तो 2 के साथ डिविजिबल है, 2 1s are 2 and 2 0 0। उसके बाद 10 है, वंस अगेन ये इसके वंस में 0 है तो फिर 2 पे डिविजिबल है, 2 5s are 10। और 5 जो है खुद प्राइम नंबर है तो ये सिर्फ 5 पे ही डिवाइड होगा, 5 1s are 5। इसके भी ये तीन जो है प्राइम नंबर हमारे पास फैक्टर इसके आ गए हैं तो ये 20 के आएंगे 2 × 2 and 5। अब तीनों जो हमारे पास नंबर्स थे उनके हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर निकाल लिए हैं सारे, तीनों के फैक्टर आ गए हैं यहाँ पे। और अब इनमें से हमारा नेक्स्ट देख रहे हैं हमने इसमें से हाईएस्ट कौन सा बनेगा और कॉमन होने चाहिए, मुश्तरक होने चाहिए तीनों में से। तो मुश्तरक देखने के लिए देखेंगे इसमें भी है, तो इसमें भी है और इसमें भी है, तीनों में है तो वो है हमारे पास 5। और इसके बाद इसके अलावा कोई जो नंबर है वो कॉमन नहीं है, इसमें 2 है तो इसमें नहीं है, इसमें 3 है तो दोनों में 3 नहीं है, इट्स मीन के और कॉमन नहीं है, कॉमन सिर्फ यही है और यही फिर लार्जेस्ट होगा, बड़ा होगा। तो ये हमारे पास एच सी एफ आ गया है 5। और इसमें मैं समझा दूं अगर इसके अलावा भी कोई और कॉमन फैक्टर तीनों में हो तो फिर उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा हमारा वो इसका जवाब होगा कि वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ है। तो इस तरह से हमने ये एक्सरसाइज में एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से ये की है। एक सवाल मैं और चाहूंगा जिसमें आखिरी अमल जो
मल्टीप्लाई का है वो भी इसमें शामिल हो जाए। तो इसी एक्सरसाइज का 2.1 का ही एक और सवाल लेते हैं, उसमें तीन नंबर्स हमें दिए गए हैं रट में, 20 और 24 एंड 48। ये तीन नंबर दे के कहा गया कि एचसीएफ मालूम करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता चलाएं और प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो सबसे पहले वही अमल जो हमने पहले भी से किया, 20 के फैक्टर निकालेंगे और निकालेंगे तमाम प्राइम नंबर्स के साथ। तो जीरो है वंस में, उसी असूल के तहत सबसे पहले टू पे डिविजिबल है ये, तो टू पे करेंगे, टू वंस आर टू, टू जीरो जीरो, और टू फाइव्स आर टेन एंड फाइव वंस आर फाइव। तो ये नंबर आ गए हमारे पास 2 × 2 × 5, ये हैं 20 के प्राइम फैक्टर। और इसके बाद है 24, इसमें भी इसके वंस में 4 है, इसमें 2 पे डिविजिबल है, तो 2 सबसे छोटे प्राइम नंबर पे स्टार्ट करना है, आगाज करना है किसी भी फैक्टर निकालने के लिए। तो 2 वंस आर 2, 2 टूज आर 4 एंड 2 6 आर 12, 2 3 आर 6 एंड 3 खुद प्राइम नंबर है तो 3 वंस आर 3 आएगा। तो ये इसके प्राइम नंबर आ गए 24 के 2 × 2 × 2 × 3। अब तीसरी रकम हमारे पास है 48 के भी हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो इसके भी वंस में 8 है तो 2 पे डिवाइजेबल है, तो 2 2 4 2 4 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4 and 2 6s are 12, 2 3s are 6 and 3 1s are 3। ये सारे इसके प्राइम फैक्टर निकल आए, तो इनको भी हम इसी तरह लिखेंगे। 48 के हैं 2 × 2 × 2 × 3। अब इसमें से हमने कॉमन फैक्टर है, तीनों के फैक्टर प्राइम फैक्टर हमने निकाल लिए, अब इसमें से कॉमन निकालेंगे, यानी कॉमन वो होगा नंबर जो तीनों में होगा। तो इसमें भी है 2, इसमें भी है, तो ये सबसे पहले कॉमन को हम सर्कल करके अलग कर देंगे कि ये कॉमन निकला है, और यहां पे इसको एक बार लिख लेंगे, कॉमन को जो तीनों में होगा उसको लिखेंगे एक बार। उसके बाद वंस अगेन नेक्स्ट 2, फिर इसमें कॉमन है एक और बार, तो इसको इस तरह मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे हम। और उसके बाद 5 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसमें अब और कोई कॉमन नहीं होगा, ये सब बाकी जो नंबर बच गए हैं अनकॉमन है, तो यही दो नंबर हमें कॉमन मिले, जितने भी हों इसी तरह से मल्टीप्लाई होंगे, जो मुश्तरक होंगे कॉमन होंगे। तो 2 × 2 = 4, इट्स मीन हमारे पास HCF आ गया है 2 × 2 = 4। इसका इस सवाल का आंसर है ये कि 4 HCF है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो इसी तरह से अगर हम बाकी एक्सरसाइज की मशक करें, प्रैक्टिस करें बच्चे, तो इस पे अच्छी तरह अबूर हासिल हो जाता है। और जो बच्चे ये बात एक दफा समझ लेते हैं, समझने के बाद दोबारा से प्रैक्टिस नहीं करते, उनके लिए प्रॉब्लम आती है, उनको एग्जाम में पेपर करते वक्त भूल जाता है मेथड उसका, तरीका उसका, तो वो फिर सवाल नहीं हल कर पाते, लिहाजा इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो अगली सेगमेंट तक अल्लाह हाफिज़।